हाय नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जिंक अप लोगों में। तो दोस्तों आज हम पहुँचे हैं गांव चरला में और जी पहुँचे हैं विनोद नागर के मकान पे। दोस्तों गांव के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से किसान परिवार रहता है और ये मकान का मेन गेट है, इनके घेरे पहुँचे हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं बहुत ही शानदार मकान इन्होंने बनाया है। गुज्जर परिवार गांव के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहता है। ये देखते हैं यहाँ इनका घर और घेर एक साथ ही हैं, तो जस्ट बराबर में फुलवाड़ी वगैरह लगा रखी है इन्होंने। और आप देखिए ये है, मैं आपको पूरा कवरेज करके दिखाऊंगा। लगभग 2 बीघे में इन्होंने अपना मकान बना रखा है। और जी बातें करते हैं जो मकान के ओनर है उनसे बातें करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे और आगे बढ़ते हुए मैं आपको पूरा मकान दिखाऊंगा। बहुत ही शानदार मकान गांव के अंदर इन्होंने बनाया है। तो जी मकान के ओनर से बात करते हैं। नमस्कार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जी विनोद कुमार जी, ये बताएँ पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएँ और फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम विनोद नागर है, जयपाल सिंह का लड़का हूँ। जी। तो जी नागर साहब, ये बताएं ये मकान जो आपने बनाया है कब बनाया था और लगभग इसके अंदर कितने कमरे हैं? इसके कमरे जी 8 कमरे हैं जी इसके अंदर। 8 कमरे, वाओ वेरी गुड। 8 कमरे कब बनाया था इसके? बोलिए जी 10-15 साल। ये लुक तो अभी भी एकदम बेहतरीन है, आज भी अच्छा है, मतलब लेकिन लंबा समय हो गया। तो जी एक कमरा दिखाएं इसका एक विशेष। तो दोस्तों देखते हैं ये यहाँ एक पोच बना हुआ है बहुत ही बढ़िया, ये देख सकते हैं जस्ट शौकीन आदमी है, शौक से खेती करते हैं गांव के अंदर। गुज्जर परिवार बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहता है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा ये फुलवाड़ी वगैरह ये लगा रखे हैं उन्होंने। ये देखिए बैठक टाइप कमरा यही है या वही? अच्छा नीचे जो है मतलब ऊपर रहने का है। चलो जी बहुत बढ़िया। तो बरामदा कितना लंबा है भाई तुम्हारा, कितने भाई कितने का है ये दोस्तों देखते? अच्छा ये देखिए दोस्तों खाट बहुत बढ़िया। और जी ये देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, वाओ सुपर। 14x14 का दिखा है कमरा? सब इतने ही है जी। अच्छा तो बच्चे कहाँ गए आज? पढ़ाते जाते हैं स्कूल में। गए कितने बच्चे हैं जी? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। बहुत ही बढ़िया, छोटा परिवार है। और भाई कितने? भाई 3 हैं। 3 भाई, सब है, सब जॉइंट रहते हैं? लग रहा है जॉइंट है, सब बाहर मकान बनाते हैं, 4 मकान बाहर बना रखे हैं। अच्छा अच्छा तुम खेती करते? मैं खेती करता हूँ, सर्विस करते। किसके काय काय में सर्विस? एक आर्मी में है। हाँ एक आर्मी में है, एक है द्वारा मिल में अफसर। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों देखते हैं जस्ट बराबर में एक कमरा और है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए वाओ सुपर, ये देखते हैं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन। अच्छा ये पिताजी हैं? जयपाल सिंह नागर जी। बहुत ही बढ़िया, हुक्के रखो यहाँ सामने, वाह भाई वाह। तो दोस्तों देखते हैं बहुत ही बढ़िया, गुज्जर परिवार शौकीन फैमिली है, हुक्का रखा है भाई, बुजुर्ग शान है। बाबा जी का है या पापा का? ये सोफा भी बनाया। अच्छा
वाह भाई, बैठते हैं तो। अरे वाह, तो दोस्तों आओ जी यहाँ से बाहर चलते हैं एग्जिट होते हुए। जस्ट बराबर में आप देखते हैं गाड़ी, कौन सी गाड़ी भाई ये? विनोद कुमार जी कपड़ा उतार दे इसका यार, पब्लिक देखेगी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। क्या मॉडल है इसका? 2006 मॉडल, बहुत बेहतरीन। दोस्तों देखते हैं ट्रैक्टर वगैरह का उस तरफ आ गया, सारे धंधे हैं। वाह भाई वाह। दोस्तों ये इनके पशु वगैरह हैं, इस तरह पशुओं का बना रखा है इन्होंने। और जस्ट ड्राइवर में आप देखेंगे ये इनका ट्रैक्टर, ये मैसी लिखा है। वाह भाई वाह। ये कुट्टी मशीन है चारा वगैरह के लिए, ये देखिए दोस्तों। ये डिजाइन कैसा आया भाई इसमें? ये अभी का है पुरानी? नया डिजाइन है वो। तेरी ट्रैक्टर ही रहा, कपड़ा टी उसका बांध रखा है उसका। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। क्या मॉडल है इसका? 2005 मॉडल है मैशी, बहुत ही बढ़िया। और जी ये है तुम्हारी चाकी, आटा पीसने वाली चाकी। और ये जुआ, ये तो आजकल बहुत ही रेयर मिलता है। हाँ पुरानी निशानी सब रख रखी भाइयों। और सामने ये कृषि संबंधी यंत्र है इनके, इस तरह भूस। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा घेर है इनका, ट्रैक्टर भी शानदार है, आजकल बहुत ही रेयर मिलता है इस तरह का। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही कृषि संबंधी यंत्र है ये, गांव के अंदर गुज्जर परिवार रहता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। नमस्कार।